हेलो स्टूडेंट्स सी एस आई आर नेट जून 2024 में लीनियर अलजेब्रा के पोर्शन में आया हुआ एक क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं कंसीडर आर एंड क्यू एक्स एज वेक्टर स्पेस ओवर क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर एक्स आर टू क्यू एक्स ओके उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक तरीके का फंक्शन होता है किसी डोमेन से कोडोमेन पर एक तरीके का फंक्शन डिफाइन होता है फंक्शंस में अगर F कोई फंक्शन है किसी सेट ए से किस दूसरे सेट बी पर तो एफ अगर मैं बोल रही हूँ वन वन फंक्शन है इसका मतलब ये हुआ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा अगर मैं एफ को ऑन टू फंक्शन बोल रही हूँ इसका मतलब ये हुआ कार्डिनेलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनेलिटी ऑफ बी होगा और अगर मैं F को bijective बोल रही हूं, इसका मतलब हुआ कार्डिनेलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनेलिटी ऑफ बी बट इसका कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू क्योंकि इस क्वेश्चन में इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोमॉर्फिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी गई है तो ये वाली चीज आपके हेल्पफुल रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब आते हैं ऑप्शन ए पर देर एग्जिस्ट इन इंजेक्टिव क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू आर टी आर टू क्यू एक्स ओके तो क्यू एक्स हमारे पास में यहाँ पर क्यू एक्स हमारे पास में यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस दिया रखा है जिसकी बेसिस जो होगी वो होगी वन एक्स एक्स ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए तो तो कार्ड क्या cardinality of R less than equals to होती है cardinality of QX? नहीं. So हमारे पास में यहां पर इंजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन बी की देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम QX टू R क्योंकि कार्डिनेलिटी ऑफ QX इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनेलिटी ऑफ R इसका मतलब ये हुआ कि एक इंजेक्टिव मैप तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा ऑप्शन बी जो होगा वो हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी की बात करते हैं द क्यू वेक्टर स्पेस QX एंड R आर आइसोमॉर्फिक अगर दो वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक होते हैं इसका मतलब ये हुआ दोनों के बेसिस में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए या दूसरी बात करें हम दोनों की जो कार्डिनेलिटीज होगी वो सेम होनी चाहिए तो क्या Qx और आर की कार्डिनेलिटी सेम होती है नहीं तो क्यू एक्स और आर जो होगा वो आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस ओवर क्यू हो ये जरूरी नहीं है ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी की

तो यहां पर इन्होंने बोला है कि देयर डू नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा